नमस्कार, जन संदेश स्टार न्यूज से मैं इंद्रदीप कुमार इस समय मौजूद हूँ देवरिया जिले के पिंडी में। और पिंडी में ये इंटरमीडिएट कॉलेज है, यहाँ पर दयाल फाउंडेशन के द्वारा बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है, जिसमें यहाँ के लोकल क्षेत्रों का बहुत काफ़ी अच्छी तरह से इलाज हो रहा है, इसमें लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। इस दयाल फाउंडेशन की तरफ से आप इतना बड़ा लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, इसके राजनीतिक रहता तो जितना चुनावी बजट होता है उससे ज्यादा खर्चा हम कर देते हैं अपने कैंप में। तो ये समझ लीजिए कि चुनाव से इसका कोई लेना नहीं, समाज सेवा है। और चाहता हूँ कि समाज के सब लोग स्वस्थ रहें, अपना बढ़िया से रहें, आनंद से रहें, स्वस्थ रहें। सर, इतनी भीड़ देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, ये कष्ट की बात है हमारे लिए कि जब यहाँ पर अस्पताल है, हर चीज है, अस्पताल खाली है, और यहाँ पर पानी में भीगते जब छोटे बच्चे को लोग लेके आते हैं, कलम देखे पानी बरस रहा था उसमें छोटे छोटे बच्चों को पानी में भीगते हुए लेके आ रहे, तो हमें कष्ट होता है देख करके। हमें लगता है कि जो सरकार का सिस्टम है वो अच्छा है, वहाँ पर भी जाना चाहिए लोगों को, खाली कैंप के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो अगर अस्पताल में ना हो तो अपने जनप्रतिनिधि उससे मांग करें, अगर डॉक्टर नहीं तो उसकी बात फरमाइश करें वहाँ पर, और सब होगा। सब व्यवस्था सरकार देती है, वो भी अच्छी व्यवस्था देती है। सर, इतने जनप्रतिनिधि हैं लेकिन इस तरह का भीड़ देख करके लगता है कि आज तक कोई इन पे ध्यान नहीं दिया, इतना पिछड़ा एरिया है। अब जनप्रतिनिधि को बिगाड़ने वाले हम ही लोग जनता हैं। जैसे उसको माला पहना के जब आप हम सब भगवान बना देते हैं तो किसी जनप्रतिनिधि का दिमाग खराब हो जाए। जनप्रतिनिधि समाज का एक अंग है, जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, वैसे ही जनप्रतिनिधि होता है। लेकिन हम लोग जब उसका ज्यादा स्वागत करके उसको उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं तो दिमाग खराब होना लाजमी है। भगवान बनाने की जरूरत किसी को नहीं, और लोकतंत्र में इसीलिए 5 साल में चुनाव रखा गया है। जो आदमी काम करे वो रहे, नहीं तो जनता को उसको बदलने का पूरा अधिकार है। तो कोई ऐसी इसमें चिंता की बात नहीं है, 5 साल बहुत लंबा समय नहीं होता। सर, अपना परिचय दीजिए। आप देवसिया से आए हैं और दयाल फाउंडेशन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे की ऐसा स्वास्थ्य से 60 साल की उम्र में हमने पूरे भारत में कहीं सुना ही नहीं। और पब्लिक को क्या चाहिए, सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। और यहाँ पब्लिक पूरे शिविर का आनंद ले रहे हैं कि फ्री दवा, फ्री इलाज, कोई शुल्क नहीं। और जिस मरीज को ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है, उसे यहाँ एम्बुलेंस द्वारा चंदन हॉस्पिटल भेज दिया जा रहा है, वहाँ का भी कोई खर्चा नहीं लिया जा रहा है। चंदन हॉस्पिटल में जिनका यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है उनको चंदन हॉस्पिटल अपने जाते हैं। हाँ जी, और उनको फ्री इलाज करते हैं, फ्री इलाज करके उनको फ्री एम्बुलेंस से यहाँ पहुँचा दिया जाता है। दयाल फाउंडेशन की तरफ से, दयाल फाउंडेशन की तरफ से। महाराज, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इससे लगता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में दवा नहीं हो रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकारी हॉस्पिटल में तो हम लोग परसों गए थे, देखे लार में कोई मरीज ही नहीं था। हाँ, तो इसका क्या कारण है? और यहाँ 8,000 मरीज हैं। सरकार का क्या, नेता भी ऐसा चाहिए कि जो जनता की सेवा करे जी, जनता जाके उनकी सेवा करे, ऐसे नहीं। अभी हमने पीछे बार कैंप लगा था सिकंदरपुर में, तो देखा का कि जो पूर्व सांसद हैं उन्होंने बाउंड बना दिया कि किसके परमिशन से हो रहा है। अरे, जनता की सेवा करना है, जनता स्वस्थ है, जनता आपकी वोट दे रही है, और आप उस पर बाउंड लगा रहे हैं कि परमिशन लगी। परमिशन लेते लेते तो पता चलेगा कि कितने मरीज मर जाएंगे। क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि वर्तमान सांसद जो हैं वो भी हस्तक्षेप करें इस कैंप को लगाने में? ज्यादा वही तो बताए कि पीछे वही हस्तक्षेप किए थे और प्रिंसिपल को निकलवाने के लिए बाउंड लगा दिए थे। क्या बाउंड लगाया गया था? किसके आदेश से कैंप चला रहा है? स्वास्थ्य के लिए आदेश क्या लेना है? तो स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा इंसान का तो दुनिया में रहकर क्या करेगा जी? ऐसे ऐसे तो सांसद है। वैसे वैसे स्वामी जी, नियम यही है कि आप कोई भी बड़ा आयोजन करते हैं तो परमिशन लेनी जरूरी है। अरे, उनको तो खुद इसमें आकर के इन्वॉल्व होना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। जनता सबकी है, जनता सिर्फ फाउंडेशन की नहीं है, ये सबके लिए है जी। के तरफ से अध्याल जो भी है उनके तरफ से जो ये कैंप लगा है, इसमें बहुत सारे लोगों का आज 2 दिन से कल और आज इलाज हो रहा है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं। लेकिन कहने का बात है, हर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है कि इस तरह का कैंप लगा है, लगाने वाला कौन है? जैसे लोग कहते हैं कि दूध का जला हुआ मट्ठा लोग फूक फूक कर पीते हैं, तो इस समय 2024 में चुनाव होने वाला है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर के तो ऐसा वितरित नहीं किया जा रहा, दवाइयों का वितरण या इलाज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पहले तो ये कभी दिखाई नहीं दिए थे और न किसी प्रकार का इन्होंने इस तरह का इस क्षेत्र में कोई जनता के लाभ के लिए कोई काम किया था।
तो लोगों को संदेह हो रहा है। हाँ, लेकिन ऐसे करते जाएंगे, लोगों को विश्वास होगा, हो सकता है कि आगे इनको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में लोग चुने, लेकिन फिलहाल तो अभी संदेह के घेरे में है। हर आदमी के मन में एक संदेह की भावना, सच्चाई तो यही है। देवरिया पिंडी इंटरमीडिएट कॉलेज में खराब मौसम, जर्जर सड़क एवं अव्यवस्था से जूझ रहे सलेमपुर लोकसभा के पिंडी क्षेत्र में समाज सेवी राजेश सिंह दयाल ने मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा शिविर लगवाया। समाज सेवी राजेश दयाल सिंह ने यूपी के सलेमपुर में लगवाया मुफ्त मेडिकल कैंप, मरीजों का फ्री में हुआ इलाज मेडिकल कैंप। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह दयाल ने देवरिया जिले के पिंडी क्षेत्र में दो दिवसीय मुफ्त मेडिकल कैंप लगवाया गया है, जहां लखनऊ के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा यहां पर मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। इस कैंप में हर तरह की मुफ्त जांचें भी की जा रही हैं और जांच के आधार पर मुफ्त दवाएं भी दी जा रही हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम, सड़क मार्ग के बावजूद लखनऊ से आधुनिक मशीनों को सलेमपुर लोकसभा के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र पिंडी में ना सिर्फ पहुंचाया गया, बल्कि पहले ही दिन 2000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज एवं मुफ्त दवा वितरण हुआ। समाज सेवी राजेश दयाल सिंह ने यूपी के सलेमपुर में लगवाया मुफ्त मेडिकल कैंप, मरीजों का फ्री में हुआ इलाज। विपरीत स्थितियों के बावजूद राजेश सिंह दयाल द्वारा दी जा रही सुविधा से मरीज काफी खुश नजर आ रहे हैं। राजेश सिंह दयाल की इस क्षेत्र के लिए समाज सेवी एवं अपनत्व की भावना जनता में चर्चा का विषय बन गई है। मरीजों का कहना है कि इस तरह का बड़ा कैंप कभी नहीं देखा है, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे इस दूर दराज गांव में राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के चेयरमैन राजेश सिंह जी द्वारा इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया गया है। उन्होंने हमारे स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा है, यहां अच्छी दवाई अच्छा इलाज मिल रहा है। समाज सेवी राजेश दयाल सिंह ने यूपी के सलेमपुर में लगवाया मुफ्त मेडिकल कैंप, मरीजों का फ्री में हुआ इलाज। मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हुए राजेश सिंह दयाल ने पिंडी क्षेत्र में मुफ्त चिकित्सा कैंप लगाने का अनुभव साझा करते हुए क्षेत्र के विकास की दौड़ में पीछे रह जाने पर अफसोस जताया। सड़क मार्ग की क्षतिग्रस्त स्थिति से आम जनता के साथ मरीजों के आने जाने की स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, यह सोचने का विषय है। समाज सेवी राजेश दयाल सिंह ने यूपी के सलेमपुर में लगवाया मुफ्त मेडिकल कैंप, मरीजों का फ्री में हुआ इलाज। चंदन हॉस्पिटल से आए चिकित्सकों में